बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और बस थोड़ी सी थकावट है। आपको पता है कि दोनों बहनों की शादियाँ अटेंड करके आई हूँ और वहाँ पे 15 दिन लग गए। अब 15 दिन जब घर से गैर हाजिर भी रहे ना, तो फ्रिज में कुछ खास खाने को भी नहीं मिलता। थकावट चूँकि काफ़ी हो चुकी है, और आज काफ़ी दिन के बाद जब स्कूल पहुँची हूँ तो वहाँ मुझे चक्कर आ रहे थे। बच्चों की कॉपीज चेक करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं किसी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। और जब ऐसे ऐसे आंखों को नींद का जब झटका सा लगा है तो ऐसा लगा जैसे उस जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ ना, वो गाड़ी किसी खाई में जा गई है। लेकिन मैं अपनी स्कूल चेयर पर ही बैठी हुई थी, और इतनी थकावट जब घर आई हूँ तो खाना बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने जल्दी से अपनी भूख तो थोड़ी सी मिटानी थी, चाय तैयार की और साथ ही कॉकटेल सैंडविच बनाया। कोई मायनेस नहीं, कोई कैचअप नहीं, सारे के सारा टेस्ट इसमें कॉकटेल सॉस का। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं सैंडविच खा चुकी हूँ और बस चाय का कप साथ ले आई हूँ छत पे। तो अभी आप वो वीडियो एंजॉय कीजिए, देखिए कि मैंने किस तरीके से जल्दी से क्विक एंड ईजी मेड रेसिपी ऑफ कॉकटेल सैंडविच रेडी की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो एंजॉय कीजिए।